दर्शन न्यूज। इधर बिहार के समस्तीपुर में अवैध बालू उत्खनन को लेकर दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी इस पर तंज कसा, कहा बिहार में रोजगार के तीन ही बड़े अवसर, शराब, बालू और अनाज माफिया। बिहार में रोजगार के तीन ही बड़े अवसर बच गए हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार, दूसरा है अवैध बालू का कारोबार और तीसरा जो सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज को लेकर जो लूट हो रही है। हर प्रखंड में, हर गांव में, हर जिले में हम लोगों को ऐसे लोग मिले जहां 5, 7, 8, 10 व्यक्ति या तो अवैध शराब के कारोबार में लगा हुआ है या अवैध बालू के कारोबार में लगा है। एम्प्लॉयमेंट का एक नया जरिया बन गया है। हर जिले में एक दो ऐसे अनाज के माफिया हो गए हैं, उसी तरह हर जिले में आपको बालू माफिया हैं, हर जिले में शराब के माफिया हैं। तो तीन नए माफिया और उद्योग नीतीश कुमार ने शुरू करा दिए, वो है शराब माफिया, बालू माफिया और अनाज माफिया। इसकी चर्चा हर जगह हम लोग को सुनने को मिली।